सेनेट का कमेटी कानून इंसाफ का सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने पर इत्तेफाक। कमेटी ने जजेस की तादाद बढ़ाने के लिए केसेस और दीगर तफसीलात तलब कर ली। वजारत कानून इंसाफ की तफसीलात पेश करने पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाने का तय होगा। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद कितनी होगी ये कमेटी तय करेगी। चेयरमैन कमेटी फारूक एच नाइक ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में केसेस का बोझ बढ़ा मगर जजेस वही 17 हैं। सेनेटर फौजिया अरशद ने कहा कि अभी भी 4 एडहॉक जजेस की तजवीज़ आई। जजेस की तादाद बढ़ाने की ज़रूरत का मुंह बोलता सबूत 4 एडहॉक जजेस की तैनाती की तजवीज़ है। अनुषा रहमान ने कहा कि जनवरी 2023 से बिल ज़ेरे इल्तवा मगर जजेस कितने चाहिए ये नंबर देख लेना चाहिए। वफाकी वज़ीर कानून ने कहा कि एक अदालत का जज 2100 केसेस निपटा जाता है, दूसरी अदालत का जज अपने मिजाज की वजह से चंद केसेस निपटाता है। क्या वजह है? कुछ भी करके हमारे ज़ेरे इल्तवा केसेस कम नहीं हो रहे। आर्टिकल 184(3) का कैसा इस्तेमाल होता रहा हमने देखा। बार काउंसिल्स की तजवीज़ है आर्टिकल 184(3) के मुकदमात की समाअत सीनियर तरीन 5 जजेस ही करें। हामिद खान ने कहा तारीख में एक बार कुछ वकीलों को सुप्रीम कोर्ट का जज लगाने की कोशिश की गई, हमने मुजाहमत की। सुप्रीम कोर्ट जजेस के लिए वकला के तजवीज़ करदा नाम देखे तो वो सिफारशी थे। चेयरमैन कायमा कमेटी ने कहा कि जुडिशियल कमीशन के रूल्स ही नहीं कि वकला जज लगें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लापता अफराद के केसेस के लिए लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। बेंच की सरबराही जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर भी बेंच में शामिल। चीफ जस्टिस लापता केसेस की समाअत करने वाले लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं। लार्जर बेंच 30 जुलाई से लापता अफराद के केसेस की समाअत करेगा। अहमद फरहाद केस में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने बेंच की तश्कील की तजवीज पेश की थी। लाहौर हाई कोर्ट में बानी पीटीआई के खिलाफ दर्ज मुकदमात पर तफसीली रिपोर्ट तलब। जस्टिस अनवारुल्लाह पुनू ने रिमार्क्स दिए कितने मुकदमा दर्ज हैं, कितनों में चलान जमा और किस मुकदमे में कब नामजद किया गया, सब रिकॉर्ड पेश किया जाए। बानी पीटीआई के वकील सलमान सफदर ने दलाल में कहा एंटी करप्शन अदालत के जज ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा गैर कानूनी रिमांड दिया। 9 मई को दरख्वास्त गुजार इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बायोमेट्रिक रूम से गैर कानूनी तौर पर दरख्वास्त गुजार को अगवा किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी गैर कानूनी करार दी। 9 मई से 12 मई तक दरख्वास्त गुजार का राबता दुनिया से मुनकता था। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने इस्तफसार किया कि 9 मई के बाद बानी पीटीआई पर कितने केसेस रजिस्टर हुए। प्रोसिक्यूटर जनरल ने पंजाब ने अदालत को आगाह किया 9 मई के बाद 37 मुकदमा दर्ज हुए। लाहौर के 18 केसेस थे जिनमें 7 में बानी पीटीआई नामजद हैं। वकील पीटीआई ने जवाब दिया मेरे 300 वकालतनामे थे, वो खत्म हो चुके, अब मुझे पता नहीं और कितने वकालतनामे चाहिए होंगे। जस्टिस तारिक सलीम शेख ने कहा कि ये बताइए 37 मुकदमात में एक ही नौयत के इल्ज़ाम है तो फिर बार बार तफ्तीश की क्या ज़रूरत है। केस की समाअत आज दोबारा होगी। जिस टोले ने 9 मई को इस मुल्क में गदर मचाया था पूरी कौम जानती है, आज वही नए हथकंडों से और वो नई वारदातें कर रहे हैं पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से। जिस तरह उनके खिलाफ, उनकी ख़ानदान के खिलाफ जो बातें की जा रही हैं, मादर वतन के खिलाफ, मासूम लोगों के खिलाफ और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ, किसी तौर पर भी हम ऐसा कोई हम इकदाम बर्दाश्त नहीं करेंगे। 9 मई को गदर मचाने वाले आज नई नई वारदातें कर रखे हैं। पीटीआई की ऑफिशियल वेबसाइट से आर्मी चीफ और इनके खानदान के खिलाफ बातें की गईं। वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना के इजलास से खिताब, कहा मुल्क में एक मखसूस टोले ने 9 मई का वाकया किया, कौम जानती है, इसी टोले ने सरकारी टेलीविजन और सरकारी इमारतों पर भी हमले किए। वजीर आजम हाउस के इर्द गिर्द इनके जत्थे आए थे, पाकिस्तान के मफादात को बचाने के लिए पीछे नहीं हटेंगे, ये नाकाबिल कबूल है। मुसल्ला अफवाज हमारी सरहदों के महाफिज हैं, इन्होंने अपने खून से वतन की आबियारी की है और जान हथेली पर रखकर सरहदों की हिफाजत की है। इजलास में पीटीआई पर पाबंदी पर गौर ना हो सका, पाबंदी पर तहादियों के तहफ़ुज़ात बरकरार। काबीना राकीन की भी पीटीआई पर पाबंदी की मुखालफत, आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई और पाबंदी का फैसला मौखर, पीपल्स पार्टी अभी तक फैसला नहीं कर सकी। इत्तेहादियों से मुशावरत के बाद मामला दोबारा काबीना में आएगा। हम इंशाल्लाह अपनी जद्दोजहद करेंगे, निकलेंगे अपने मुल्क में आइन की बहाली के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, और ये जो मुल्क को इन्होंने एक फासिस्ट रिवी तरीके से जो चला रहे हैं, ये फासिस्ट हुकूमत, इनके खिलाफ निकलेंगे।
जुम्मा के दिन पाकिस्तान की खातर निकलना है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की भूख हड़ताली कैंप में मीडिया से गुफ्तगू, कहा जेलों में कैद बेगुनाह कैदियों के लिए निकलना है। वक्त के जालिम के खिलाफ खड़ा होना आईन से वफादारी है। पूरे मुल्क में पुरम एहतजाज होगा। मुल्क में जो महंगाई का जिन बेकाबू है, इसके लिए हमें घरों से बाहर निकलना होगा। लतीफ खोसा ने कहा आज भी सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा इनके बच्चों की वीडियो वायरल की गई, ये इत्तेहाद आजाद अदलिया के साथ खड़ा है। पंजाब हुकूमत का सानिया 9 मई के मुलजमान की जमानत मनसूखी के लिए सुप्रीम कोर्ट से रजू। दरख्वास्त में सादत दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के जज फरीक प्रोसिक्यूटर जनरल के जरिए दायर दरख्वास्त में फहरिस्त में मौजूद मुलजमान को नोटिस जारी करके जमानत मुस्तरद करने के सदा। बानी पीटीआई शाह महमूद कुरैशी शेख रशीद अहमद समेत 57 मुलजमान की फहरिस्त सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई गई। एंटी करप्शन अदालत रावलपिंडी ने मुलजमान की जमानत मंजूरी की थी। एंटी करप्शन अदालत का फैसला लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत की दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए जुर्माना भी आयद किया। चला लगने वाला है, काश अदालतें 5 जुलाई को भी खुली होती। जब जनरल जियाउल हक ने एक मुंतखब वजीर आजम को उठाया, काश अदालतें 12 अक्टूबर को भी खुली होती। जब परवेज मुशर्रफ ने एक वजीर आजम को उठाकर बाहर फेंका, मेमो गेट का मामला ऐसा नहीं था जिसे सुप्रीम कोर्ट उठाती। मुंतखब वजीर आजम को ओहदे से हटाना सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं। स्विस हुक्काम को खत न लिखने पर वजीर आजम को ओहदे से हटाना गलत था, क्योंकि सदर जरदारी को आईनी इस्तिस्ना हासिल था। जज चाहता है उसे अपने फैसलों पर कैसे अमल करवाना है। हमें फैसलों की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जाता है। मेरे खिलाफ बदतरीन प्रोपेगेंडा किया गया, मेरे बच्चों की तस्वीरें और पर्सनल डेटा लीक किया गया, लेकिन चैलेंजेस जज के लिए टेस्ट हैं। जज को तनकीद से नहीं डरना चाहिए। पीपल्स पार्टी किसी भी सियासी जमात पर पाबंदी के हक में नहीं। मखसूस सीटों पर पीटीआई के आजाद उम्मीदवारान का हक बनता है। रानोमा पीपल्स पार्टी और सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह कहते हैं पीटीआई पर पाबंदी और आर्टिकल 6 का फैसला पीपल्स पार्टी की मजलिस आमला में होगा। पीटीआई को अपना तर्ज सियासत दुरुस्त करना होगा। इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी ने पीटीआई को हुकूमत बनाने के लिए गैर मशरूत हिमायत का पैगाम भेजा। इनकार पर नून लीग से इत्तेहाद का कड़वा घूंट भरा। बुशरा बीबी के नए केस में गिरफ्तार न करने की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। वजारत दाखिला वफाकी तहकीकाती इदारे FIA पुलिस और नैब को नोटिस जारी। IG इस्लामाबाद से तफसीलात लेकर अदालत को जमा कराई। अदालत का सरकारी वकील को हुक्म केस की समाअत आइंदा हफ्ते तक के लिए मुलतवी। कोई सियासी रहनुमा ना मिले तो उसके भाई को उठा लिया जाता है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सरताज गुल की प्रोग्राम सवाल से आगे में गुफ्तगू, कहा हमें जलसे की इजाजत नहीं दी जा रही। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए हर फोरम पर आवाज उठाएंगे। बानी पीटीआई ने कभी भी एतराफ नहीं किया। GHQ पर एहतजाज के लिए कहा था, पुरम एहतजाज को जानबूझकर मुंतशर किया जाता है। खवातीन को सिर्फ बानी पीटीआई के नारे लगाने पर जेलों में डाला गया। हुकूमती हमसे जहनी तौर पर शिकस्त खा चुकी। नालायक हुकूमत के पास मैंडेट मौजूद नहीं। वजीर आजम से ज्यादा इख्तियारात वजीर दाखिला के पास हैं। जो जमात आइन के आर्टिकल 17 पर पूरा नहीं उतरती वो सियासी जमात नहीं। सेनेटर इरफान सदीकी ने कहा कि बानी पीटीआई ने 9 मई के हमलों का एतराफ किया। 9 मई के मुजरमान को अब तक सजा क्यों नहीं मिल सकी। तमाम रियासती इदारों को अपना किरदार अदा करना होगा। नवाज शरीफ ने बेटी के हमरा नाहक 200 पेशियां भुगती, कोई हमला नहीं किया। बानी पीटीआई ने एक पेशी नहीं भुगती और 200 हमले करा दिए। फजल रहमान हमारे साथ और हम इनके साथ जचते हैं। एक दूसरे से दूर होना दोनों के लिए नुकसानदेह है। आइन में तरमीम का हक सिर्फ पार्लियामेंट का है, सुप्रीम कोर्ट का नहीं। सेनेटर फैसल बाबटा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट या दीगर अदालतों का काम आइन की तशरीह करना है। पार्लियामेंट सुप्रीम है और आइन में तरमीम करने का हक रखती है। टकराव की तरफ कोई नहीं जा रहा, आइन को अपनी मर्जी से पढ़ाया जा रहा। पीटीआई पंजाब का भी बानी पीटीआई की रिहाई के लिए अलामती भूख हड़ताल का ऐलान। ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान भुच्चर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि बानी पीटीआई की रिहाई के लिए असेंबलियों में आए
अगर समझते हैं हमें मरियम नवाज या शरीफ खानदान के खिलाफ एहतजाज से रोक सकेंगे तो ऐसा नहीं होगा। आर्टिकल 6 लगाकर देखें, हुकूमत को दिन में तारे नजर आ जाएंगे। चचा भतीजी की हुकूमतों के दिन गिने जा चुके। इस्लामाबाद में हमारे सेक्रेटरेट पर हमला किया गया, स्पीकर पंजाब असेंबली ने खुद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप किसी को खुश करने के लिए अपनी शख्सियत को क्यों दागदार कर रहे हैं? पीटीआई पर पाबंदी के हवाले से वफाकी हुकूमत के पास मवाद मौजूद। वफाकी वजीर कानून आजम अली ताड़ा ने कहा कि रेफरेंस दायर करने से पहले सियासी और कानूनी पहलुओं को देखा जाएगा। पाबंदी पर हुकूमत संजीदगी से सोच रही है। झूठ पकड़ने वाली मशीन का इनकार इसीलिए किया क्योंकि वो गुड टू सी यू नहीं कहती। वजीर उमूर कश्मीर व सैफरान इंजीनियर अमीर मुकाम कबानी पीटीआई के पोलीग्राफिक टेस्ट कराने से इनकार पर तबसरा। कहा, जो कहता था आपने घबराना नहीं है, वो झूठ पकड़ने वाली मशीन से घबरा गया है। झूठा अगर झूठा ना होता तो झूठ पकड़ने की मशीन से क्यों डरता? मर जाऊंगा, आईएमएफ नहीं जाऊंगा का झूठ बोलने वाला पोलीग्राफ मशीन का सामना कैसे करेगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची ने पार्लियामेंट पर अलामती भूख हड़ताली कैंप, इत्तेहादी जमातों को भी शिरकत की दावत। भूख हड़ताली कैंप में महमूद अचकज़ई, राजा नासिर अब्बास समेत असद कैसर, बैरिस्टर गौर अली खान, आतिफ खान, शिबली फराज, लतीफ कोसा और दीगर की शिरकत। कैंप में हुकूमती छापों, इंतकामी कार्रवाइयों, महंगाई के खात्मे और असीरान की रिहाई का मुतालबा। अल्लामा नासिर अब्बास ने कहा कि अवाम के हक पर पाकिस्तान में डाका डाला गया, इनको चाहिए अवाम को बुरानों से बाहर निकालें। कहते हैं इन पर आर्टिकल 6 लगाएंगे, पार्टी पर पाबंदी लगाएंगे। जो लोग सच्चाई का गला घोंट देते हैं वो सच्चे हैं, जो हारे हुए लोग हैं वो मुल्क को तबाह बर्बाद करते हैं। हम इनसे नहीं डरते। जुम्मा के दिन पाकिस्तान के अवाम बानी पीटीआई की खातिर बाहर निकलें। जुम्मा के बाद हम तारीखी एहतजाज करेंगे। महमूद खान चकज़ई ने कहा कि जो भी शख्स इस मुल्क से मोहब्बत करता है उसको अपने हक के लिए आवाज उठाना होगी। हमें मुल्क को इस शदीद किस्म के बहरान से बाहर निकालने की जरूरत है। आइन की बालादस्ती के लिए मुल्क को ठीक समत में लेकर चलने के लिए हमें घरों से बाहर निकलना होगा। सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी की सालगिरह, पीपल्स पार्टी का सदर जरदारी की सालगिरह को बतौर प्रेसिडेंट डे मनाने का ऐलान। आतिशबाजी का मुजाहरा, मनारे पाकिस्तान पर म्यूजिकल शो होगा। लाहौर गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में सालगिरह का केक काटा जाएगा। गुलुकारा निम्रा मेहर और साहिर अली बग्गा आवाज का जादू जगाएंगे। तकरीब के मेहमान खुसूसी साबिक वजीर आजम। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को आसिफ जरदारी की लाहौर आजादी शोक पर सालगिरह का जश्न मनाने की इजाजत न मिली। पीपल्स पार्टी का इजाजत न मिलने के बावजूद प्रेसिडेंट डे आजादी चौक में ही मनाने का ऐलान। फैसल मीर ने कहा, पीपल्स पार्टी आतिशबाजी के काटने और मौसी की इजाजत न मिलने के बावजूद आजादी चौक में ही करेगी। आतिशबाजी एक्ट और लाउडस्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी के मुकदमा दर्ज करवाकर मरियम नवाज के खिलाफ गिरफ्तारियां देंगे। पाकिस्तान की बका का मसला है, अवाम का सबसे बड़ा मसला बिजली और महंगे बिल है। हुकूमत कंपनीज को बिजली ना बनाने के पैसे भी दे रही है। जिन लोगों ने मुश्किल वक्त में प्लांट्स लगाए इन्हें विलन नहीं बल्कि बतौर हीरो पेश करने की जरूरत है। वजीर मुमलिकत बराए खजाना अली परवेज मलिक कहते हैं, आईपीपीस 1994, 2002 और 2014 में लगे 40 खानदानों वाली कहानी में जो लोग हैं वो 1994 और 2002 वाले हैं। इनका शेयर सिर्फ 80 अरब है। अगर किसी ने चोर बाजारी की है तो तहकीकात होनी चाहिए। एहसास है 60 रुपए के यूनिट पर दुकान नहीं चल सकती, ना ही 40 रुपए यूनिट पर घर चल सकता है। जितनी देर बैठेंगे महदूद वसाइल में जो कर सके जरूर करेंगे। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट के कई मुलाजमीन का गैर कानूनी और गैर जिम्मेदाराना मामलात में मुलव्वस होने का मामला। कौमी असेंबली सेक्रेटरीट का खसूसी हिदायत नामा जारी, सरकारी मालूमात तक गैर मजाज रसाई और मालूमात को लीक करने पर पाबंदी आए। तमाम मुलाजमीन से 3 दिन में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अकाउंट्स की तफसीलात तलब। मुलाजमीन को अपने शिनाख्ती कार्ड्स पर रजिस्टर्ड मोबाइल सिमों के नंबर भी जमा कराने की हिदायत। रिटायर्ड मुलाजमीन को पार्लियामेंट हाउस में दाखिले के लिए ऑफिस सेक्रेटरी की इजाजत लेने की हिदायत। मुलाजमत से मुतल्लिका उमूर पर दबाव डालने पर भी पाबंदी आयद।
चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने म्यांमार में 3 पाकिस्तानी नौजवानों के मुबैना अगवा का नोटिस ले लिया। कहा मुतलका हुकाम म्यांमार में मुखवी पाकिस्तानियों की बाजियाबी और वतन वापसी के लिए इकदाम करें। मुखवी नौजवानों की बाजियाबी के लिए सिफारती टनल्स को ब्रू कार लाएं। बिलावल भुट्टो का मुखवी नौजवानों के अहल खाना से हमदर्दी का इजहार। हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी। बिजली बिलों में इजाफा कबूल नहीं। कौम अब खुद निकलकर बिजली के बिलों में रिलीफ लेकर आएगी। 26 जुलाई का धरना रोकना हुकूमत को भारी पड़ जाएगा। रुकावट डाली गई तो धरने को हुकूमत कराने की तहरीक में बदल देंगे। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का ऐलान। कराची बार के तकरीब से खिताब में कहा हम IBPs के साथ किए मुआहदों को नहीं मानते। लोग बिजली का बिल देखते ही बिलबिला उठते हैं। बिलों में कमी करना पड़ेगी। अब तो ताजर भी कह रहे हैं बिजली के बिल बर्दाश्त से बाहर हैं। 19 साल में लाइन लॉसेस कम नहीं कर सके। कराची में इलेक्ट्रिक के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ना पड़ेगी। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के तायुन की जिम्मेदारी ऑयल मार्केटिंग को देने का फैसला। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ की कीमतें मुकर्रर करने का हुकूमती इख्तियार खत्म करने की हिदायत। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को मरहलावार कीमतें मुकर्रर करने के इख्तियार देने की तैयारी। वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर पेट्रोलियम ने अहम इजलास कल तलब कर लिया। चेयरमैन ओगरा को कीमतें डी रेगुलेट करने के असरात और लायामल बनाने की हिदायत। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें डी रेगुलेट करने का हतमी फ्रेमवर्क वज़ीर आज़म को पेश किया जाएगा। पेट्रोलियम डीलर्स ने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को कीमतें मुकर्रर करने का इख्तियार देने की मुखालफत की थी। पाकिस्तान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के अजलास में कीमतों के तायुन के इख्तियार ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को देने पर तहफ्फुज़ात का इजहार। एसोसिएशन के मुताबिक कीमतों के तायुन से ऑयल कंपनीज को ही इजारादारी होगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने PTI की दरख्वास्त पर NOC वापस लेने का हुक्म कलदम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 5 सफात का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। तहरीरी फैसले में लिखा गया कि PTI जलसा NOC की दरख्वास्त इस्लामाबाद इंतजामिया के सामने ज़ेरे अल्तवा तसव्वुर होगी। इंतजामिया कानून के मुताबिक और वजूहात के साथ दरख्वास्त पर फैसला करे। नवाज जरदारी गठजोड़ में PTI पर पाबंदी तारीख की बड़ी गलती होगी। पाबंदी के बाद से किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं होंगे। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा हुकूमत की अदालत और आवाम के साथ लड़ाई की वजह से मईशत तबाह हो गई। अभी शुरुआत है। आने वाले दिनों में लोग चीखेंगे। बानी PTI को 14 माह से जेल में रखा हुआ है। वो मजलूम है। पूरी कौम इनके साथ खड़ी है। किसका निशान छली किसी का कद्दू था तो फिर भी PTI जीती। आप न सुप्रीम कोर्ट को मान लगे ना ही किसी कानून को। डिजिटल दहशतगर्दी PTI से नहीं बैरून मुल्क से हो रही है। रऊफ हसन को फौरी रिहा करना चाहिए। दुनिया पाकिस्तान में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी देख रही है।2018 में नवाज शरीफ को झूठे मुकदमात में नाअहल किया गया। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशूद ने कहा कि PTI हुकूमत के बुजुर्गों ने कहा था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाएगा। IMF डील के बावजूद स्टॉक एक्सचेंज बुलंद सतह पर मौजूद है। आज का नौजवान बेहतर और खुशहाल मुस्तकबिल चाहता है। मुल्क के नौजवानों की बेहतरी के लिए इकदाम कर रखे गए। शहबाज शरीफ जब वज़ीर आला थे तो पंजाब के नौजवानों के लिए प्रोग्राम्स लेकर आए। 10 खेलों की अकेडमीज का क्याम सामने लाया जाएगा। IT और तालीम के शोबों में भी तरक्की सामने आएगी। PTI पर पाबंदी लगाकर जाली हुकूमत अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारेगी। अलीबाबा 40 चोरों की PTI की मकबूलियत बर्दाश्त नहीं हो रही। मशीर इतलात खबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का बयान। कहा मैंडेट चोर सरकार PTI पर लाख पाबंदियां लगाए। मुल्क छोड़ने और डील करने वालों में से नहीं। PTI एक नजरिया का नाम है। नजरिया कभी खत्म नहीं होता। आइन की बालादस्ती और करप्ट सियासी टोले के खिलाफ हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। सूबे पंजाब में पाकिस्तान की तारीख में अद्वियात की फरहमी का सबसे बड़ा वेयर हाउस प्रोजेक्ट नौ मेडिसिन वेयर हाउस फंक्शनल। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने हॉस्पिटल्स में मुफ्त अद्वियात की फरहमी के प्रोजेक्ट का अफ्ताह कर दिया। मरियम नवाज का लाहौर में महकमे सेहत के मरकजी वेयर हाउस का दौरा। फोर्क लिफ्टर चलाकर अद्वियात की फरहमी के प्रोजेक्ट का आगाज किया। अपनी निगरानी में इजलाक के लिए ट्रक रवाना भी किए। नए जदीद तरीन वेयर हाउस अद्वियात को स्टैंडर्ड टेम्परेचर पर स्टोर और तरसील किया जा सकेगा।
17 अरब से ज़ायद की मेडिसिन और इक्विपमेंट स्टोर करने की गुंजाइश। वज़ीर आला पंजाब से जर्मन सफीर की मुलाकात। पाकिस्तानी सफारतखाने पर शरपसंदों के हमलों पर जर्मन हुकाम के फौरी एक्शन को सराहा। कहा उम्मीद है जर्मनी वाक़े में मुलव्वस अफराद को कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा और मुस्तकबिल में ऐसे वाक़ात रोनुमा नहीं होंगे। LBOT स्पाइनल RD से पुराने कुदरती पानी के रास्ते बहाल हो गए। बदीन, सांगर, मीरपुर खास और नवाब शाह की ज़मीनें सैलाब में नहीं डूबेंगी। बदीन में तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, LBOD 1980 की दहाई का मनसूबा था जिसे वापटर ने तामीर किया था। LBOD की डिज़ाइन में कुछ तरामीम करके पानी के रास्ते बहाल कर दिए। ग्रेड 16 से ऊपर की 16,000 से ज़ायद नौकरियाँ दे चुके, लेकिन एक जमात को सिंध के अवाम की तरक्की पसंद नहीं। सांगट से उमरकोट तक एक ड्रेन और अंडरपास बनाया जा रहा। महकमा आपाशी ने बताया, मनसूबा अगले साल तक मुकम्मल हो जाएगा। माजी में कई बार सिंध के लोगों को सैलाब का सामना करना पड़ा। हम मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। पूरे सूबा में 21 लाख घर बनाए जा रहे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मूनसून बारिशें। टेम्परेचर में कमी से गर्मी का जोर टूट गया। रावलपिंडी, इस्लामाबाद, गुदनवा में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। शहर कायद में मतला बरालूद, मुख्तलिफ इलाकों में बूंदाबांदी से मौसम खुशगवार हो गया। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में भी फवार से मौसम खुशगवार। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों गग्गू मंडी, आरिफवाला, बहावल नगर, हुजरा शाह, मुकीम और नाला खुर्द समेत गुदनवा में धार बारिश हुई। नशेबी इलाकों में पानी भी जमा। मानसेरा, कोहिस्तान, मालाकंड, दीर, सबात और शांगला में भी बारिश। डेरा गाजी खान, मुसखेल, बारकान और कोलू में भी बारिश हुई। नदी नालों में तुगयानी का खदशा। बल्तिस्तान में बारिश का नया सिलसिला 27 जुलाई तक जारी रहेगा। दरियाओं, नदी नालों में तुगयानी और लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा।